दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में। रिक्रिस्टलाइजेशन का बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। इसमें सारी बेसिक टू एडवांस चीजें जो यूज में आती हैं फार्मास्यूटिकल लैब, R&D लैब और जहां भी केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक सिंथेसिस होता है वहां पर रिक्रिस्टलाइजेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले रिक्रिस्टलाइजेशन की जरूरत कब होती है। रिक्रिस्टलाइजेशन आप एक्सट्रैक्शन करते हैं या तो आप कॉलम करते हैं या तो एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद भी अगर प्योरिटी नहीं होती उस समय हमें रिक्रिस्टलाइजेशन की जरूरत होती है फॉर प्योरिफिकेशन। ये प्योरिफिकेशन मेथड होता है फॉर सॉलिड सॉलिड कंपाउंड के प्योरिफिकेशन के लिए रिक्रिस्टलाइजेशन का यूज किया जाता है। और इसमें जो प्योरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है मेनली, जैसे अगर पोलरिटी डिफरेंस बहुत कम है, डिफरेंट डिफरेंस बहुत कम है, उस समय आप एक्सट्रैक्शन और कॉलम से प्योरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर पोलरिटी डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है, इम्प्योरिटी में और कंपाउंड में, और जो सॉलिड स्टेट में है तो उसका प्योरिफिकेशन हम रिक्रिस्टलाइजेशन से करते हैं। अगर इसके हम प्रिंसिपल की बात करें, तो इसका प्रिंसिपल यही बताता है कि आप जानते हो कोई भी सब्सटेंस है, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा सॉल्वेंट की बढ़ेगी उतना ज्यादा सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, दूसरे एक कंपाउंड को सॉल्वेबल करने की एबिलिटी बढ़ेगी। मीन्स क्या हुआ कि अगर हॉट सॉल्यूशन है या हॉट सॉल्वेंट है, इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मोर सॉल्युबिलिटी इसकी होगी देन कोल्ड सॉल्यूशन। ये आपको समझ में आ रहा है, हॉट सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और कोल्ड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कम होगी, ये आपको मालूम है। हम ऐसे सॉल्वेंट ले इसमें ऐसे सॉल्वेंट को हम चूज करते हैं जिसमें हमारा कंपाउंड लो टेम्परेचर पर, मीन्स कोल्ड कोल्ड सॉल्यूशन पर, कोल्ड सॉल्वेंट में वो कंपाउंड लेस डिजॉल्व हो या न डिजॉल्व हो, या तो स्पेरेंगली डिजॉल्व हो, जबकि हॉट सॉल्यूशन में वो डिजॉल्व हो। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इस बेस पर हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये हमने देखा, उसके बाद प्रोसेस इसमें क्या होता है। सबसे पहले एक आप कोई भी कंटेनर लेते हो, RB या कुछ भी लेते हो, कोई निकल लेते हो, इसमें आप कंपाउंड को ले लिए इम्प्योरिटी के साथ, इसको आपने हीट कर दिया। अभी ये सॉल्वल नहीं है, कोल्ड सोल्यूशन। अब इसको आपने सॉल्व करने के बाद यहाँ पर कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया, यूनिफॉर्मली हो गया। फिर इसको कूल डाउन करते, टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद ये क्या होता है, रिक्रिस्टलाइज हो जाता है। इसको फिर आप फिल्टर कर लेते हो, ये फिल्टर कर लेते हो, ये प्रोसेस होता है। यहाँ पर एक चीज हम आपको बता रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बता रहे हैं, उसको समझना। फर्स्ट फैक्ट है जो ध्यान देने की जरूरत है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिकवर होगा। सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप कंपाउंड को प्योरिफाई कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, ठीक है। और इसमें और भी फैक्ट है। सेकेंड फैक्ट की अगर हम बात करें, स्लोअर स्लोअर कूलिंग रेट का आप करेंगे, धीरे धीरे आप कूलिंग रेट करोगे, कूलिंग रेट होगा, स्लोअर कूलिंग रेट होगा, जिससे क्या होगा, जो आपको क्रिस्टल मिलेगा वो बिगर मिलेगा, आपको बड़े क्रिस्टल यहां से मिलेंगे, ध्यान देना है ये चीजों को, ध्यान देना। और जो आपको प्योरिटी मिली है कि नहीं मिली, तो मालूम है इम्प्योरिटी अगर किसी में है, इम्प्योरिटी क्या करती है, इम्प्योरिटी उसके फ्रीजिंग पॉइंट को, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको मालूम है, इम्प्योरिटी अगर है तो इम्प्योरिटी उसके फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, कौन से, इम्प्योरिटी। तो आपने रिक्रिस्टलाइजेशन करने के बाद आप उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करना, अगर मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा आया है जो स्टैंडर्ड के बराबर है तो प्योरीफाई है, अगर स्टैंडर्ड कंपाउंड के बराबर नहीं आया है तो उसको फिर से रिक्रिस्टलाइज करने की जरूरत है। फोर्थ फैक्ट और आप समझिए कि बार बार रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस अगर आप बार बार कर रहे हो, रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आप 2 से अधिक बार कर रहे हो या जितनी बार कर रहे हो, एक पहली बार कर रहे हो इससे ज्यादा दूसरी बार जब करोगे तो उसमें कुछ कंपाउंड का लॉस होगा, क्योंकि नॉन जीरो सॉल्युबिलिटी इसका कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, नॉन जीरो सॉल्युबिलिटी,
कोई भी ऐसा कंपाउंड सॉल्वेंट नहीं होता है जिसमें दूसरे अदर्स कंपाउंड की सॉल्वेबिलिटी बिल्कुल भी जीरो ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत सॉल्वेबिलिटी बहुत माइनट माइनट होगा लेकिन होगा। तो दोबारा करेंगे तो कुछ आपका जो कंपाउंड होगा वो सॉल्वेंट रह जाएगा और सॉल्वेंट आपका कम हो जाएगा, कंपाउंड आपका कम हो जाएगा, ये फैक्ट हो गए। इसके बाद हम एक और फैक्ट पर यहाँ समझेंगे कि इसको आपको जो प्रोसेस करना है, जो ये प्रोसेस करना है इस सॉलिड के लिए ही करना है। सॉलिड इम्प्योरिटी, अगर सॉलिड कंपाउंड है उसमें इम्प्योरिटी है तो उसके लिए करना है। दूसरा, पोलरिटी डिफरेंस अगर बहुत कम है वहां पर आपका एक्सट्रैक्शन और कॉलम से आप नहीं कर पाएंगे। पोलरिटी डिफरेंस न के बराबर है, जैसे कि हम इसकी बात करते हैं, थायोफिन का ब्रोमीन हो गया, ट्राई हो गया, इसका टेट्रा हो गया, उस समय क्या होता है आप इसका प्योरिफिकेशन, इसका कॉलम से एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। कॉलम कॉलम से इसको प्योरीफाई नहीं कर सकते ना, तो एक्सट्रैक्शन से। उस समय आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन करना होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू।